हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा नया प्रोडक्ट शेयर करने वाले हैं। मतलब यह है सिट्रॉन की C3। अब कंपनी इंडिया के अंदर काफी टाइम पहले आ चुकी थी, बट आज मैं खुद पर्सनली काफी टाइम बाद, मुझे जब से इंडिया के अंदर आई, आज मैं पहली बार ही गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। और जो फील है गाड़ी की वो डेफिनेटली इंडिया के अंदर पहले से जो कंपनियां अवेलेबल हैं उनकी किसी भी गाड़ी से अलग है। तो इसकी C3 है जो कि अब मार्केट में धीरे धीरे आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बंदों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। पर्सनली जब आप वीडियोज़ में देखते हो ना, तो ऐसा लगता है भाई हाँ कोई और कंपनी है, जल्दी ट्रस्ट करें ना करें, बट जब अंदर आते हैं, केबिन में बैठते हैं, फील करते हैं चीज़ों को, तो फिर जो रियल चीज़ें सामने आती हैं वो कुछ और ही रहती हैं। तो बहुत अमेजिंग कार लग रही है फर्स्ट इंप्रेशन जो है। बाकी आपको क्या क्या ऑफर कर देती है वो हम अभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए लाइक करना, आगे भी शेयर करना और एंड तक जरूर देखना। अभी गाड़ी की चाबी स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको क्या क्या ऑफर कर देती है। सो गाड़ी की चाबी से स्टार्ट करें तो ये कुछ इस तरीके की आपको चाबी मिलती है। और वेरिएंट आपको बता देता हूँ, ये इसका फील है 1.2 डुअल टोन, तो ये इसका ये वाला वेरिएंट है। और इसकी कीमत की बात करें तो ऑलमोस्ट 7,73,000 रुपये के आसपास ही आपको ऑन रोड पड़ती है डेली में। तो ये इसकी प्राइसिंग वगैरह थी। और ये कुछ इस तरीके की चाबी है, यहाँ पे सिट्रॉन का लोगो मिलेगा आपको। ये जो दो एरो हैं ऊपर की साइड जाते हैं, यहाँ पे डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाती है। और दोनों ही चाबियाँ आपको ऐसी ही देखने के लिए मिलती है, दोनों में सेम कंट्रोल्स मिलते हैं और इस पे सेंटर लॉकिंग जो अपनी चाबी पे मिलती है। तो अभी दिखा देते हैं आपको ये क्लस्टर वगैरह ऑन करके। तो यहाँ से डलेगी चाबी इसमें इग्निशन में, इसे एक बार आप ऐसे ऑन कर दोगे, स्टेयरिंग व्हील अपना अनलॉक हो चुका है, ये वेंट्स वगैरह ऑन हो चुके हैं और ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो चुका है। और जब इसे सेकेंड टाइम ऑन कर देते हैं तो देखना, ये देखो कुछ इस तरीके से ग्लो होता है क्लस्टर। ये आपको डिजिटल मिलता है, मतलब कुछ इस तरीके का डिजिटल मिलता है। यहाँ पे टोटल मतलब कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, कितने किलोमीटर चली है, ऑडो ट्रिप ए ट्रिप बी टेम्परेचर, ये अपना टेम्परेचर, ये अपना फ्यूल है। यहाँ पे दिखता रहेगा, इंडिकेटर्स आपको दिख रहे होंगे, दोनों साइड अलग अलग ही जलेंगे। जब जलेंगे इमरजेंसी लाइट कुछ इस तरीके से ब्लिंक करती रहेंगी। और ये है अपनी स्टिक जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन ऐसे सेट रीसेट कर सकते हो, ये देखो। तो ये चीज़ें हैं। और यहीं पे मिलते हैं वाइपर्स के कंट्रोल। ये चीज़ बहुत सही करी कंपनी ने कि इंडिया के अंदर मतलब कुछ नया करने की वो चीज़ नहीं करी कि भाई अपोजिट दे देते हैं, बहुत जल्दी यूज्ड हो जाओगे इसके साथ भी आप। और यहाँ पे अपने हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं। और स्टेयरिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके के मिलता है, एक मल्टी फंक्शन 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील, काफ़ी ज़्यादा शानदार। वैसे एक नॉर्मल सा है, मतलब इसके ऊपर कोई लेदर रैपिंग वगैरह नहीं है। स्ट्रॉन का लोगो है और यहाँ पे अपने इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ से फोन उठा काट सकते हो अपना, यहाँ से मतलब वॉइस कमांड दे सकते हो, सर्च वगैरह के बटन है, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसकी एडजस्ट की बात अगर हम करते हैं एक सेकेंड, तो ये आपको टिल्ट और टिल्ट ही मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। इधर की साइड अपना विंडोज के लॉक मिल जाते हैं, यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसा कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे आपको। तो ये कुछ इस तरीके से मिलते हैं पैनल्स, यहाँ पे कुछ स्पेस वगैरह लगी शायद, मतलब है नहीं। और डैशबोर्ड दिखाता हूँ एक सेकंड, वैसे आपको मजा आ रहा होगा इंटीरियर को देख के। यहाँ पे वैनिटी मिरर है, एयरबैग की बैजिंग है, येलो कलर की रीडिंग लाइट मिलती है, एक नॉर्मल सा IRVM मिलता है। और यहाँ पे कोई टिकट होल्डर की वगैरह की प्लेसमेंट नहीं है। अभी इंडिया के अंदर नई नई कंपनी आई है, मतलब पहले इतना महंगा प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया था, फिर उसके बाद इन्होंने इंडियन मार्केट को समझा कि बंदे अभी अगर आप इस पर ट्रस्ट करवाना चाहते हो तो 10 लाख से नीचे नीचे आपको कुछ देना पड़ेगा। और ये गाड़ी इंडिया के अंदर 3 पार्ट में आती है, फिर यहाँ पे आके असेंबल होती है, तो थोड़ा सा उन चीज़ों से 19-20 फर्क पड़ जाता है। बाकी नए प्रोडक्ट्स को जब आप मौका देंगे करने का तभी वो आगे इंप्रूव कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप जरूर चेकआउट करो इस गाड़ी को एक बार। अभी डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आप देखो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है आपको, जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। और भाई मतलब ये इस ऐसे थोड़ा रेक्टेंगल टाइप ज़्यादा है, तो और वैसे जो होती है ना फोन के ऊपर आपने देखा होगा ऑयलोफोबिक कोटिंग होती है, स्मूथनेस ही रहती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चिकना चिकना सा है वैसे। तो ये है यहाँ पे आप देख लेना। और ये है कुछ इस तरीके एसी वेंट्स, काफ़ी ज़्यादा मस्त लगते हैं, मतलब जिस तरीके से इनको डिज़ाइन दिया गया है
ये अपने मैनुअल एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ पे, एक यूएसबी पोर्ट है, हजार लाइट की बटन है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिलता है, थोड़ी स्पेस वगैरह मिल जाती है, यहाँ पे भी स्पेस मिलती है, यहाँ पे भी स्पेस मिल जाती है, और ये कुछ इस तरीके का मिलता है 5 स्पीड मैनुअल गियर लीवर, कुछ शानदार से इस तरीके से, मतलब पूरा फील आती है कि हाँ भाई गियर बदलो और भगाओ इसे। ये पूरा लेदर रैपिंग इसको मिलती है, ये ऑरेंज कलर की स्टिचिंग है, डैशबोर्ड पे भी आप देखोगे ऑरेंज कलर के इंसर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, ये सिल्वर कलर की एक हाईलाइट यहाँ पे मिलती है, और इसके अंदर भी काफ़ी सफिशियंट स्पेस मिल जाती है, मतलब अंदर की साइड डीप काफ़ी है, वैसे नीचे की साइड ज़्यादा स्पेस नहीं है, डीप काफ़ी है। तो ये है, और यहाँ पे हैंड ब्रेक है क्रोम टिप के साथ, और यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस मिल जाती है। पीछे वाली पावर विंडोज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी, और आगे वाली आपको यहीं डोर पे मिल जाती हैं, और सीट्स की बात करें तो कुछ इस तरीके मिलती हैं, फैब्रिक सीट्स, पोस्टिंग वगैरह आप देख सकते हो। पर्सनली मैं बैठा हूँ तो गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ठीक है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जो आप देख रहे हो थोड़ी सी आगे साइड निकाली हुई है, तो नीचे का सपोर्ट काफ़ी अच्छा बना रहता है। तो ये है कुछ ऐसा पैटर्न। अभी डोर पैन से स्टार्ट करते हैं, सीट में मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, पीछे स्पेस वगैरह की बातचीत करते हैं, पीछे से कितनी स्पेस आपको ऑफर करती है। सो अभी ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पर सिल्वर कलर का डोर लिवर मिलता है, यहाँ पर अपने ORBMs को एडजस्ट करने के लिए स्टिक मिलती है, और यहाँ पर दो पावर विंडोज़ आपको मिल जाती हैं, थोड़ा मतलब एक ग्रैब हैंडल भी और थोड़ी स्पेस भी आप इसे कह सकते हो, बोट होल्डिंग स्पेस है अपने, यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। और अभी चलें पीछे तो उससे पहले देख लो, 6-way मैनुअल एडजस्टिंग मिलती है ड्राइवर सीट कुछ इस तरीके की, फ्यूल लिड खोलने के लिए लिवर है, यहाँ से बोनट खोलने के लिए लिवर है, और ये सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, और अभी आपको पीछे की स्पेस वगैरह दिखा देते हैं। तो कुल मिला के मतलब जो गाड़ी की फिट एंड फिनिश की बात करें या फिर किसी चीज़ को फील करने की बात करें तो वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब लगता है कि यहाँ पर बाहर की कंपनी है, तो उन चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, फिट एंड फिनिश और मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें। पीछे की स्पेस की बात करें तो उससे पहले डोर पैनल देख लो, यहाँ पे डोर लिवर है, ग्रैब हैंडल, स्पीकर, बोतल होल्डर, और अभी पीछे की स्पेस की बात करें तो एक बार आए थे हम तो ये चीज़ हम एक्सपीरियंस करके जा चुके हैं, बाकी वीडियो आज आपके लिए बना रहे हैं। तो ये पीछे की सीट्स भी सेगमेंट के हिसाब से बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब आपको मज़ा आएगा पीछे बैठ के, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मतलब हेडरेस्ट तो हैं पर ये एडजस्ट नहीं होते हैं, चारों के चारों सीट्स के अंदर इंटीग्रेटेड है। पीछे के पावर विंडोज़ कंट्रोल यहीं पे मिलते हैं आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बूट होल्डर स्पेस मिल जाती है, 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे पॉकेट मिलती हैं दोनों ही सीट्स पे, फैब्रिक सीट्स मिलती हैं पीछे भी मिनिमल सा हम पे, बाकी 3 बंदों को बैठने में कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 सिर्फ 2 ही एडजस्टेड हेडरेस्ट मिलते हैं, आगे नहीं मिलते हैं। और पीछे से देख लो कुछ इस तरीके का दिखता है डैशबोर्ड का व्यू। अभी आपको बूट दिखा देते हैं इसका, और अभी यहाँ से कुछ रहेगा तो पूछ लेना कमेंट्स में। और एक रीडिंग लाइट मिलती है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं है कुछ भी। अभी चलते हैं बूट की तरफ, और अभी गाड़ी के बूट की बात करें तो यहाँ पे आपको नीचे मैग्नेटिक बटन देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे पावर शेल्टर है, 315 लीटर्स की बूट कैपेसिटी आपको मिलती है यहाँ पे, और इसी के नीचे मिलेगा स्पेयर व्हील जो कि आपको सीएट का मिलेगा, 165 ATR 14 की आपको प्रोफाइल मिलेगी, और टूल किट वगैरह सारी चीज़ें इसी के साथ आपको मिलेंगे। अब इसे कर देते हैं बंद, और अब भी करते हैं गाड़ी की बाहर की प्रोफाइल बातचीत की, बाहर से आपको क्या क्या ऑफर कर देती है, तो इसे बंद कर लेते हैं एक सेकेंड। सो अभी बात करें कि सिट्रोन C3 आपको एक्चुअल में बाहर से क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है, तो पहली बात इस गाड़ी को अगर आप वीडियोज़ में देख के जज करते हो तो भाई बहुत बड़ी गलती करते हो। लिटरली मैं हर रिव्यू में अपने में यही चीज़ बोलता हूँ, मेरा किसी भी कंपनी को डिफेम करने का कोई मोटिव नहीं होता है, जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छी बताओ, जिसमें आपको 19-20 की वो लगे तो उस चीज़ को बताओ, बट किसी को डीफेम मत करो कि भाई बिल्कुल ही बेकार है, कुछ बेकार नहीं है, कंपनी बहुत पैसा खर्च करती है R&D पे, तो तब जाके मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आता है, तो कुछ ना कुछ रहता ही आगे पीछे, तो हम किसी भी चीज़ को ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते। बाकी पर्सनली इस गाड़ी को फील करो आगे, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। अभी फ्रंट से स्टार्ट करें तो यहाँ पे इसको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट मिलती है, DRL से हैलोजन बेस अपना हेडलाइट्स का सेटअप है, यहाँ पे फॉगलेस वगैरह नहीं आते हैं, बाकी ये जो क्रोम वगैरह आप देख रहे हो एक पैक आता है समथिंग, क्या नाम है उसका याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्ट, तो ये उस पैक के अंदर आती हैं चीज़ें। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का लोगो मिलता है, सिस्ट्रॉन का लोगो मिलता है यहाँ पे कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है, और ये जो नीचे का पोर्शन आप देख रहे हो ये मैट फिनिश में आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे शाइनी पैनल नहीं है ये, और ये थोड़ा स्किड प्लेट जैसे डिजाइन यहाँ पे आपको मिल जाता है, और ये है। और इस कलर की अगर हम बात करें तो समथिंग टाइटेनियम ग्रे, पता नहीं प्लेटिनियम ग्रे, वो एग्जैक्ट पीछे लिखा हुआ देख के बता दूंगा आपको। तो अभी साइड सेक्शन में आए तो गाड़ी की डायमेंशन आप स्क्रीन पर देख लेना कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये, और दूसरी साइड से दिखाता हूँ एक सेकंड, ये देखो भाई क्या मस्त लगती है, मतलब रोड पे खड़ी हुई भी दिखती है कि कोई चीज़ है, और साइड में क्लैडिंग्स वगैरह आती हैं इसको, यहाँ पे सेम सीएट का टायर है। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे वही 195/65 R15 का कुछ ऐसा मिलता है, मतलब जो स्टेपनी है वो 14 की है, 15 का है, ये कुछ ऐसे व्हील कैप्स मिलते हैं।
अपना गन मेटल में, और ये अंदर वाला व्हील भी थोड़ा डार्क शेड की तरफ ही है। फेंडर पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट है, ग्लॉसी ब्लैक ORBMs हैं, कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। डुअल टोन वाला वेरिएंट है ये, इसके ऊपर थोड़ी सी ऐसी ऑरेंज रूफ आती है। ये क्रोम डोर हैंडल जो देख रहे हो ये एक्सेसरीज का पार्ट है, और यहाँ पे फिजिकल चाबी डालने के लिए भी आपको लॉक मिल जाता है। ऊपर की साइड इसको मिलती हैं रूफ रेल्स, और ये प्लेटिनियम ग्रे कलर है, और दूसरा ये जेस्टी ऑरेंज। तो ये प्लेटिनियम ग्रे और वो जेस्टी ऑरेंज है, और ये देखो भाई पीछे से क्या गजब लगती है। यहाँ पे अपना स्टॉक लैम्प की प्लेसमेंट है, डिफोगर वाइपर नहीं आता है यहाँ पे, और यहाँ पे हेलोजन बेस कुछ इस तरीके के मिलते हैं। टेल लैम्प्स काफ़ी ज़्यादा मस्त लगते हैं ये भी। यहाँ पे कंपनी का लोगो है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है सिट्रॉन, और C3 मॉडल की बैजिंग हुई पड़ी है यहाँ पे। और दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं पीछे भी, एक और दो। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट, और रिफ्लेक्टर्स के चारों तरफ जो क्रोम देख रहे हो ये एक्सेसरीज का ही पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं, और यहाँ से चलेगा गाड़ी के अंदर पेट्रोल। 30 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिलती है इसमें। और अभी इसका इंजन कंपार्टमेंट खोल लेते हैं, इंजन प्रोफाइल चेक करा देते हैं कि क्या पावर फिगर से आपको अवेलेबल कराती है। और पहले तो ये देखो भाई, ये कुछ इस तरीके से चलती हैं DRLs, मतलब नीचे इनके इंडिकेटर है, पूरी DRL चलती हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार। और यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग मिलती है, और यहाँ पे मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 80 bhp निकालता है, 115 nm का टॉर्क मिलता है इससे आपको। 30 लीटर का फ्यूल टैंक आता है गाड़ी के साथ, और मान के चलो 20 के आसपास की माइलेज तो निकल जाएगी आराम से, उसी सेगमेंट की गाड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इंजन भी अगर आप देखोगे ना तो आपको बिल्कुल ही अलग ही देखने के लिए मिलेगा, मतलब कंपनी ने कुछ किया है। और यहाँ पे एक साइड की बैटरी मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं, फिर मिलता है। सो ये थे आपके सामने सिट्रॉन C3 टॉप एंड वेरिएंट है इसका, फील और काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और अगर आप इस गाड़ी को प्लान कर रहे हो तो एक बार चेकआउट ज़रूर करो, तब गाड़ी को जज करना, बाकी पर्सनली आप देख सकते हो भाई। वीडियो में तो उतना जस्टिस नहीं हो पाता, बट रियल आकर जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है, मतलब बहुत बड़ी सी लगती है अगर सेगमेंट की किसी दूसरी गाड़ी समय से कंपेयर करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको बताना कमेंट्स में, अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हम फिर मिलते हैं इस वीडियो में। बाय बाय।